महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एनसीपी में फूट की खबर के बीच राज्य में अजीत पवार को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर धाराशिव में लगाए गए हैं। कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार भी गर्म है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। ऐसी खबर है कि 30 से 40 एनसीपी विधायकों के साथ वे अपनी पार्टी से बगावत कर सकते हैं। हालांकि अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले साफ कर दिया था कि वे अपनी आखिरी सांस तक एनसीपी नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सामर्थ्य है, क्योंकि उनके पास काफी प्रशासनिक अनुभव है। राउत ने एकनाथ शिंदे का उदाहरण देते हुए कहा कि विभाजन करके कुछ अयोग्य लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। गौरतलब है कि शिंदे ने पिछले साल जून में 40 विधायकों के साथ बगावत की थी, जिसके कारण राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।